पूर्व मेयर सरता चौधरी की जन्मदिन के मौके पर एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। जी हाँ, जब वो रजोकरी बीएसएस कैंप में पहुंची तो पहले तो यहाँ पर स्थानीय महिलाएं और लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जन्मदिन के मौके पर उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दी और उनको जन्मदिन पर जिस तरीके से उनकी दीर्घ आयु के लिए उनको आशीर्वाद दिया और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने केक काटा। सभी के साथ मिलकर क्षेत्र के जो जनता थी उनके साथ मिलकर उन्होंने केक काटा। उसके बाद खुद उन्होंने यहाँ पर कन्याओं का जो है भोजन कराया। कन्याओं के लिए उन्होंने खुद और भंडारे के लिए यहाँ पर पूड़ियाँ तलती हुई नजर आईं सरता चौधरी। जी हाँ, जहाँ एक तरफ राजनेता की भूमिका है वो निभा रही हैं तो वहीं एक गृहिणी की जो भूमिका होती है, एक महिला होने के बाद जो एक गृहिणी की भूमिका होती है वो भी निभाती हुई नजर आ रही हैं सरता चौधरी। आपको बता दें, सरता चौधरी दक्षिणी दिल्ली की पूर्व मेयर हैं और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर पूर्व महापौर के बाद जो भूमिका निभाने के बाद आज उनका जो जन्मदिन है वो भी उन्होंने बड़ी सादगी से मनाया है। जी हाँ, 5 स्टार होटलों में ना जाकर उन्होंने क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर अपना जन्मदिन बड़ी ही सादगी के साथ मनाया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रजोकरी बीएसएस कैंप पर बने हनुमान मंदिर पर यहां पर पहुंचकर उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ यहां पर बच्चों को केक खिलाया, महिलाओं को केक खिलाया, उसके बाद अपना जन्मदिन है वो मनाया। साथ ही साथ कन्याओं को यहाँ पर भोजन कराना उन्होंने सबसे पहले अनिवार्य समझा और यहाँ पर कन्याओं को उन्होंने भोजन कराया। उसके बाद जो है भंडारे का आयोजन था, उसमें भी सैकड़ों की तादाद में लोगों ने भंडारे का लुत्फ लिया। जी हाँ, मौका था जन्मदिन का, क्योंकि सरता चौधरी का ये जन्मदिन था और सरता चौधरी एक राजनेता है तो राजनेता को अपने बीच में पार्क कर क्षेत्र की जनता भी बेहद खुश थी। आपको अब दिखाते हैं किस तरीके से, देखिए यहाँ पर पहले तो उन्होंने जन्मदिन की जो शुरुआत है वो यहाँ पर करी। जब वो पहुँची तो उनका जोरदार स्वागत जो है क्षेत्र के लोगों ने किया। उसके बाद देखिए किस तरीके से एक दूसरे जो महिलाएं यहाँ पहुँची थी उन्होंने किस तरीके से उनको जन्मदिन की बधाइयाँ दी। उसके बाद किस तरीके से वो कन्याओं के लिए यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो पूड़ियाँ हैं वो तलती हुई नजर आईं। उसके बाद कन्याओं को उन्होंने अपने हाथों से यहाँ पर भोजन कराया। साथ ही साथ यहाँ पर बसंत कुंज वार्ड के पूर्व निगम पार्षद मनोज महलावत भी थे, उन्होंने भी उनकी लंबी उम्र की कामना करी और जिस तरीके से जो उनका जन्मदिन है बेहद सादगी से मनाते हुए दोनों ही लोग नजर आए। क्षेत्र के जो लोग हैं वो थे, कार्यकर्ता थे, वो यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर जिस तरीके से लोगों ने बताया कि किस तरीके से सरता चौधरी लगातार वक्त वक्त पर उनके बीच पहुँचती हैं, उनकी ज़रूरतों की चीज़ों को समझती हुई नज़र आती, जिसकी जीती जागती तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आर सोनीट की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsoninews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आर सोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की एक खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज़ पर। पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से आप अपना जन्मदिन जो है मना रहे हैं? देखिए, मैं हर बार हर वर्ष की भांति इस बार भी जो है अपना जन्मदिन सबसे पहले प्रभु हनुमान जी के चरणों में माथा टेक कर और उसके बाद हर वर्ष हम किसी न किसी बस्ती में ऐसा प्रोग्राम करते हैं और आज क्योंकि मंगलवार का दिन भी है तो हमने यहाँ अपनी रजोगरी की जो ये हमारी बस्ती है इसमें आकर कन्या पूजन किया, उनको भोजन करवाया और उसके पश्चात भंडारे की यहाँ पर व्यवस्था हमने की थी। और सिर्फ एक जन्मदिन तो हर वर्ष आता है लेकिन अपने लोगों के बीच में रहकर, जिन लोगों के कारण और इस परमात्मा के आशीर्वाद के कारण, अपने माता पिता के आशीर्वाद के कारण हम, मैं राजनीति में इतने ऊपर जो स्थान हम मुझे मिला वो सब इनके आशीर्वाद का परिणाम है। और हर वर्ष की तरह इस बार भी अपना जन्मदिन हमने अपनी ये रजोकरी जो हमारी पहाड़ी है, जो बस्ती है, इसमें अपने माताओं, बहनों, प्यारी प्यारी बच्चियों और सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मनाया। आपके कार्यकर्ताओं के अंदर एक अलग जोश है क्योंकि सब लोग भंडारा यहाँ वितरण करने में लगे, आपने भी भंडारा बांटा जी, क्या कहेंगे इस मौके पर जिस तरीके से लोगों ने आपको यहाँ पर बुलाया, क्या कहेंगे? देखिए, सब लोगों ने बहुत शुभ आशीष दिए, सब में बड़ा जोश था और क्योंकि
जन्म दिवस एक ऐसा दिन होता है, उस दिन आप अपने आप में व्यक्ति स्वयं में ये महसूस करता है कि आज के दिन मैंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और जब मैं इस संसार में आया हूँ तो एक संकल्प के साथ परमात्मा हमें भेजते हैं कि आप धरती पर जाकर अच्छे काम करें, जन सेवा करें, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, तो उसी सेवा काम को आगे बढ़ाते हुए पिछले लगभग 22 वर्षों से मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। लगातार 3 चुनाव नगर निगम के जीते, दिल्ली नगर निगम की महापौर रही, विधानसभा का चुनाव लड़ा और अनेकों पद पर कार्य रहते हुए सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में अनेकों कार्य की और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, सभी बच्चे हैं, सभी माताओं बहनों ने भरपूर अपना आशीर्वाद मुझे इस अपने जन्मदिवस के मौके पर दिया और मैं सबका इन शुभ आकांक्षाओं के लिए, इस शुभकामनाओं के लिए मैं हृदय की गहराइयों से सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, हर वर्ष की बात, इस बार भी अपनी जो झुग्गी बस्ती एरिया होता है जहाँ पर गरीब परिवारों का रहन सहन होता है, तो उन परिवारों के बीच में रहकर और एक भंडारे का आयोजन और मंदिर में साफ सफाई के माध्यम से आज का ये हम अपनी पूर्व मेयर रही, विधानसभा का मेहरौली का चुनाव लड़ी और प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही और अन्य विभिन्न जिम्मेदारियों पर रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया और क्षेत्र की समस्याओं का निदान किया, ऐसी हमारी श्रीमती सरिता चौधरी जी का हम आज जन्मदिन सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर बड़े अच्छे तरीके से मना रहे हैं। बहुत धूमधाम से हनुमान मंदिर में मन रहा है उनका जन्मदिन। इन्होंने देश और समाज के लिए अच्छे काम किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले भविष्य में भी मेयर बनने की संभावना है, मेयर बनेंगी और इसके साथ में बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं उनको, जिंदगी के लिए दीर्घायु हों और अच्छे काम करें। जिस तरीके से लगातार जो है सरिता चौधरी काम करती हैं क्षेत्र में, किस तरीके से आज उनको जन्मदिन की आप लोग पूरे क्षेत्र के लोग अपने चौधरी के लिए शुभकामना दे रहे हैं? बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, जब मेयर थी जब अपने बहुत अच्छा काम किए इन्होंने, समाज के लिए भी अच्छे काम किए हैं और हम धूमधाम से इनका जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन तो बहुत अच्छा मना रहे हैं और अच्छा बनना भी चाहिए क्योंकि मैं पूर्व में रहे आ रहे हैं और भविष्य का शायद हो सकता है कि मेरे बिना दोबारा आज साउथ MCD की पूर्व महापौर श्रीमती सरिता चौधरी जी ने अपने हाथों से प्रसाद का वितरण किया हमारे रजोकरी पहाड़ी BSS में और हम उसको उनको हार्दिक धन्यवाद देते हैं जन्मदिन की और आज बहुत धूमधाम से मनाया यहाँ पर रजोकरी पहाड़ी में उनका जन्मदिन। आप लोग क्या कहेंगे आज उनके जन्मदिन? आज जन्मदिन में उनका ये कहेंगे आगे भी ऐसे काम करते रहे जैसे पहले मेयर थे जब किया है और आगे मेयर बने, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में। आप लोगों के बीच आज वो यहाँ जन्मदिन मनाने पहुँचे, कितना आप लोगों? हमें तो बहुत इस चीज़ की खुशी है कि हमारे बीच के अंदर पहुँची है और केक यहाँ पे काटा है उन्होंने। जन्मदिन की शुभकामना दे रहे हैं सरकार यहाँ पर रजोकरी पहाड़ी BSS कैंप में हमारी बहन जी ये सरिता चौधरी जी आए हैं और हम इनको इनके जन्मदिन पर बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं कि भाई भगवान इनको आगे कामयाबी दे और आगे के जो भी इलेक्शन हो तो उसमें इनको पोस्ट मिले और यहाँ ऐसे सब पब्लिक हमारी भी थोड़ा सा यहाँ पहाड़ी पे सबकी हेल्प करे और सबके जो प्रोग्रेस करे तो मैडम से यही प्रार्थना है, तो इसलिए हम इनको तहे दिल से और सारी बहने माता बहने मिल के इनका स्वागत किया है और यहाँ पर जैसे भी जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम इनको हार्दिक स्वागत कर रहे हैं और यहाँ पर इनको बधाइयाँ दे रहे हैं कि भगवान इनकी लंबी उम्र करे, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए सफलता मिले आगे आने वाला वक्त इनके लिए अच्छा है।